है जिस वक्त हम गांव में आए थे और इस्माइल भाई हमारे साथ थे, हम सभी इकट्ठे आए हैं अभी यहाँ पे। तो ये सामने वाले जो भाई जा रहे हैं जिसके साथ माल पहना हुआ है गले में, तो इन भाइयों से मशवरा करके ये बैंक में काम करते हैं और ये यहाँ पे हमने सोलर प्लेटफॉर्म वगैरह का जो सिस्टम लगवाना था बोर के लिए, तो वो यहाँ पे जगह देखने आए थे कि यहाँ पे इनकी सेटिंग बनती है या नहीं बनती। तो अभी वो देख के हम वापस जा रहे हैं, आगे चल के आपको बताते हैं कि क्या सीन बनता है, ये वो हमें ऑफर देते हैं लगाने के लिए या नहीं देते, फिर जो भी सूरत हाल होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी देखते हैं इस्माइल भाई इनके साथ क्या फाइनल होता है। तो ये सामने इनका बाग है, अभी इनको ना काफ़ी सारे माल्टे लगे हुए हैं, ये तकरीबन 2-3 साल का बाग हो चुका है तकरीबन। इस्माइल है इनको कितना साल हो गए हैं बाग को लगे? 3 साल हो गए हैं। 3 तकरीबन आप सामने फल लगा हो गए। तो देखते हैं इनके बाग में जितने भी पौधे हैं उनके ऊपर फल है भी सही कि नहीं, अभी देखते हैं। ये देखें माशाल्लाह इनको तो फल लगा हुआ है, ये माल्टे छोटे छोटे माल्टे, ये मेरे ख्याल है मौसमी का पौधा है क्योंकि इनका साइज़ बता रहा है कि ये मौसमी होगा। और ये नीचे जो है इन्होंने ना तिल काश किया हुआ है, ये चीज़ है, ये हैं जी तिल के पौधे। लेकिन ज़मीन जो है इनकी रेतली है, रेतली होने की वजह से ना इसमें इतनी फसल का जो है ना मज़ा नहीं है। और ये सामने वाला जो है ये इनका गाँव है और इसमें आबादी है जो बहुत कम है, इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है इस गांव की। तो मैं भी इस्माइल के साथ इनके गांव में ना फर्स्ट टाइम आया हूं, तो माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया यहां पे घूमने का। अभी ये सामने देखें जहां पे ये भाई लोग जा रहे हैं और आप ये रास्ता है यहां से लोग गुज़र के जाते हैं, तो उन जो लोग यहाँ से गुजरते हैं उनके लिए यहाँ पे नलका लगाया था कि अगर कोई बंदा जानवर लेके जा रहा हो तो वो भी यहाँ से अपने जानवरों को पानी पिला सकते हैं और ख़ुद भी पानी पी सकते हैं। तो गांव में ये चीज़ें आपको अक्सर मिल जाती हैं। हमारे ना गांव का पानी जो है बहुत कड़वा है, तो उस साइड पर फिर सब लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर पानी ले जाते हैं पीने के लिए। अच्छा, यहाँ से लेके जाते हैं? यहाँ से लेके जाते हैं, अगर कड़वा पानी पिए तो पेट वाला ख़राब हो जाता है। अच्छा यार, वो जो बोर वाला पानी हमने चेक किया ना वो तो काफ़ी बेहतर था, उसमें तो इतनी कड़वाहट नहीं थी। पानी बहुत ठीक है क्योंकि यहाँ से नहरी पानी आता है ना, तो सही नलके का पानी बहुत मीठा है, हमारे गांव का पानी बिल्कुल ही ख़राब है। सही है। इस्माइल भाई बता रहे थे कि इनके गांव का ना जो पानी है ना वो काफ़ी कड़वा है, और जो इस साइड वाली ये वाला जो एरिया है इस साइड पे अगर आप आएँ तो ये कह रहे हैं कि इस साइड वाला जो पानी है वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन अगर आप गांव की तरफ जाएं इस साइड पे तो वहाँ का पानी ये बता रहे हैं कि कड़वा है इस साइड पे। और ये आगे जो है ना चुबारे का एरिया, हम वहाँ भी एक दफ़ा गए थे, उनका पानी भी काफ़ी कड़वा पानी है। वो पानी हम लोग तो नहीं पी सकते, लेकिन जो लोग आदी हो चुके हैं पानी पीते हुए वो वाला, तो उनकी एक आदत बन गई, उनको इतना महसूस नहीं होता, लेकिन जब नया बंदा जाता है वो पानी पीता है तो उनको महसूस होता है कि यार कड़वा पानी है। इसमें ये यार कुत्ता भौंक रहा है, इस तरह ना हो पड़ जाए, कुछ कहता तो नहीं है ना? चलो यहाँ पे यार इन्होंने कुत्ता बांध के रखा हुआ है क्योंकि ये इनकी हवेली है और यहाँ पे इनके जानवर जो है ना अक्सर उन्होंने बाहर बांध के रखे होते हैं, तो उसके लिए ना इन्होंने एक कुत्ता पाल के रखा हुआ ताकि जानवरों को कोई हाथ ना लगाए और कोई खोल के ना ले जाए। आपको इनके जानवर भी जल के दिखाता हूँ। लो जी, कुल्फ़ी वाले भाई भी आ गए थे हाथ में कुल्फियाँ बेचते हुए। ये इनके जानवर ने जो मैं कह रहा था कि बाहर बांध के रखे होते हैं, कि अभी सड़क है यहाँ से, ये देख कुल्फियों वाला गुजर के जा रहा है। तो वालेकुम अस्सलाम, ये इनकी गाय, और इस तरफ जो है ना इन्होंने अपनी भैंसें बांध के रखी हुई हैं। आ रहा हूँ एक मिनट। ये जी भैंसें, और ये इनके चाचू हैं जिनकी गाड़ी है रिवर्स कर रहे हैं। तो व्यूअर इस वक्त चलते हैं, हमारा काम तकरीबन कम्प्लीट हो गया है, तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जल्दी दीजिए, खुदा हाफिज़।